मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शनिवार रात मनपा कर्मचारी अमित गडकरी पर जानलेवा हमला हुआ। आखिर किसने किया ये हमला? आखिर कौन है वो लोग जिसने अमित गडकरी पर हमला किया? 27 जनवरी को मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर पासलकर फोन कर सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। क्या किशोर पासलकर को पहले से ही पता था? क्या अमित की जान जाने का कर रहे हैं इंतजार? आखिर कब मिलेगा अमित को सुरक्षा गार्ड? वही अमित गडकरी पर जानलेवा हमले से मनपा कर्मचारियों में काफी गुस्सा है, जो अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। मुंब्रा प्रभाग समिति के कर्मचारियों ने अमित गडकरी पर हुए हमले का निषेध किया है। आज सुबह से ही सभी कर्मचारियों ने अपना काम तो कर रहे हैं, मगर हाथों पर काली पट्टी बांध कर मनपा के कुछ कर्मचारियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा की उन्हें बेहद जरूरत है और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। कार्रवाई के दौरान कुछ भी हो सकता है, इनकी मांग भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि इसके पहले भी मनपा कर्मचारियों पर हमले हुए हैं और अब धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है। मनपा कर्मचारियों ने आज पूरा दिन निषेध किया हाथों पर काली पट्टी बांधकर। वहीं मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर ने बताया कि हमें जो जानकारी मिली थी वो हमने मनपा कार्यालय को दी। जानकारी मिलने के बाद अमित गडकरी ने पुलिस सुरक्षा की मांग की, मगर पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। सहायक आयुक्त महेश आहिर ने मनपा की तरफ से एक सुरक्षा गार्ड अमित गडकरी को मुहैया कराया था। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।